समझदार साथियों से मेरा निवेदन है और विशेष अपील है, शांति बनाए रखें और उपद्रवियों का साथ ना दें, क्योंकि दोस्तों लगातार हम भी धरना प्रदर्शन करते हैं। मेरे कई साथियों के मुकदमे दर्ज है, जिसमें कई लोगों की राजस्थान पुलिस में नंबर आ चुका था, लेकिन उसको ज्वाइनिंग करने के बाद राजस्थान पुलिस से निकाल दिया गया। सबसे बड़ा उदाहरण है रामजीलाल चौधरी, कई और लोग हैं, क्योंकि आप सभी बेरोजगार है और आपका भविष्य अभी बनना बाकी है। हम संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक सरकार तक अपनी बात पूछे और सरकार से वार्ता करें। सरकार वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उपद्रवियों के साथ आप उनका साथ ना दें, क्योंकि उनके मुकदमे दर्ज होंगे तो उनके लपेटे में आप गरीब बेरोजगार जो अपने सपने सजोए बैठे हैं कि मुझे सरकारी जॉब मिलेगी, मेरे परिवार और मेरा खुद का भविष्य उज्जवल होगा, उनके चपेटे में आप ना जाए। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मेरे बेरोजगार साथी है, मैं आपका हितैषी हूँ, हमेशा बेरोजगारों की आवाज उठाई है, क्योंकि जिन लोगों 56 लोगों के मुकदमे दर्ज है, मैं उनके आंसू आज देखता हूँ, लगातार उनके कॉल मैसेज आते हैं कि हमारा मुकदमे हट जाए, हमें नौकरी मिल जाए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी जिस प्रकार हमने उग्र आंदोलन किया, लाठीचार्ज है, मुकदमे दर्ज हुए, ऐसी आप भी ऐसी नौबत नहीं है कि आपके मुकदमे दर्ज हो और आपका भविष्य खराब हो। तो आपसे मेरा निवेदन है, शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पूछा है, अपनी बात रखें, लेकिन उपद्रवियों का साथ न दें, क्योंकि जो उपद्रवी है लूटपाट के साथ जो तोड़फोड़ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और ऐसे उपद्रव का हम कतई साथ नहीं देते, कतई हम समर्थन नहीं करते। लेकिन मैं उन बेरोजगार साथियों से कहना चाहता हूँ जो उनकी बातों में आकर उनका साथ दे रहे हैं, हालांकि मुझे विश्वास है सभी बेरोजगार अपने घर पहुंच चुके होंगे, उपद्रवियों का साथ नहीं दे रहे होंगे। प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश की जो जनता है, उसके हित में आप खड़े होंगे। आप सबसे मेरा विशेष यही अपील है, आप उपद्रवियों का साथ न दे, शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद।